नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बनाऊंगी उलन फ्लावर की एक न्यू डिज़ाइन। बहुत सिंपल सी है और एकदम नई है। इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे 10 चेन। 10 चेन बनाने के बाद आपको उसको फर्स्ट वाली चेन में अटैच करके एक सर्कल बना लेना है। सर्कल बनने के बाद हम इसमें से 20 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। कम्प्लीटली आपको 20 सिंगल क्रोशेट ही बनाने हैं और इस तरह से आपको पैक पैक करके बनाने हैं। अगर आप इसमें ज़्यादा पंखुड़ियाँ चाहती है तो आप और 4 सिंगल क्रोशेट एक्स्ट्रा बना सकते हैं। मैं ये 5 पंखुड़ियों का बना रही हूँ फ्लावर, तो इसमें मैंने 20 लिए हैं। अगर आप 6 इसका बनाना चाहते हैं तो 24 लीजिए। मतलब 4 सिंगल क्रोशेट हमें एक्स्ट्रा ऐड करते जाना है, जितना आपको बड़ा बनाना है उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने पहला राउंड कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड राउंड में भी हर एक सिंगल क्रोशेट के ऊपर 1 सिंगल क्रोशेट बना के जो सेकंड राउंड है उसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे। मतलब हमने पहले 20 सिंगल क्रोशेट बनाए और सेकंड राउंड में भी हमें सेम उसी तरह से 20 सिंगल क्रोशेट ही बनाने हैं। ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी पंखुड़ियाँ बनाएंगे। तो पंखुड़ियों ये पीछे से आगे से इस तरह से दिखेगा। अब पंखुड़ियाँ बनाने के लिए पहले हम यहाँ पे 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाएंगे इस तरह से। आपको 5 चेन बनाने के बाद यहाँ पे हम 4th क्रोशेट लेंगे। मतलब अपने सिंगल डबल ट्रिपल और 4th वाला क्रोशेट, इसमें हम 3 राउंड लेंगे। उसके बाद 3 बार इसमें ये मैंने 3 राउंड लिए हैं। फिर 1, 2 और ये 3। फिर जो फर्स्ट, अब फर्स्ट में तो हम इन तीनों में से फिर 1 चेन बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद आपको यहाँ पे 1 चेन बनानी है। पहले चेन बनने के बाद फिर यहाँ पे हम 6 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 सिंगल क्रोशेट के बाद हमें फिर से 1 चेन बनानी है इस तरह से। और जो जहाँ पे हमने अटैच किया है वहाँ से ही हम और 1 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, या इसे आप स्लिप क्रोशेट भी बना सकते हैं। फिर 1 चेन लेंगे। उसके बाद जो सेकंड वाला क्रोशेट हमने अटैच किया है उसमें से 1 स्लिप क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद फिर से 1 चेन बनानी है। फिर जो 3rd वाला है उस पर भी हम 1 सिंगल क्रोशेट के साथ अटैच कर लेंगे और फिर से 1 चेन बनाएंगे। और फिर जो हमारा राउंड कंप्लीट करना है इसके लिए हमें फिर से जो लेस बनाने उसमें से हमें 6 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। 3, 4, 5 और ये 6। इस तरह से आपका एक राउंड कंप्लीट हो गया और एक पंखुड़ी जैसी बन गया। अब 1 चेन बनाऊंगी और बीच में इसको जो पहले हमने चेन बनाई थी स्टार्टिंग में उसके साथ हमें इसे अटैच कर लेना है इस तरह से। तो ये हमारा शेप जो है पंखुड़ियों का एकदम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद दूसरी पंखुड़ी बनाएंगे। उसके लिए हम 12 चेन बनाएंगे। 12 चेन बनानी है आपको 2 पंखुड़ियों के बीच। उसके बाद मैं यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशेट स्किप करूँगी और जो 4th वाला सिंगल क्रोशेट है उसमें से जो हमारा क्रोशेट लूँगी मैं वो
ट्रिपल क्रोशेट उसे यहाँ पे अटैच कर दूंगी। सेम चेन में से ही आपको 3 ट्रिपल क्रोशेट बनाने हैं। सेम चेन में से ही आपको ट्रिपल क्रोशेट बनाने हैं इस तरह से, और फिर 3 में से 1 क्रोशेट लूंगी मैं, और फिर 2 में से। इस तरह से जो पंखुड़ियों का हमारा शेप होता है वो बनेगा। फिर यहाँ पे सिंपल है, वही पैटर्न जो मैंने आपको पहले बताया उसे ही फॉलो करना। एक चेन लेंगे, फिर सिंक और डबल क्रोशेट बनाने हैं, फिर नीचे से आपको हर एक जो जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे एक एक सिंगल क्रोशेट के साथ अटैच करके सेम फॉलो करनी है प्रोसेस, और इस तरह से आपको पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, फिर मैंने यहाँ पे चेन ली और जहाँ पे मैंने अटैच किया आपको यहाँ पे ध्यान देखना होगा, कहीं पे भी आप सिंगल क्रोशेट मत कीजिएगा, यहाँ जहाँ पे अटैच किया हुआ है उसी में से आपको सिंगल क्रोशेट बनाना है, और हर एक सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद एक चेन बनानी है। इसमें ज़्यादा कुछ तो है करने के लिए है नहीं, बहुत सिंपल सा फ्लावर है, बस 2-3 चीज़ें हैं वो आप समझ गए कैसे बनानी है। उसके बाद ये खूबसूरत सा फ्लावर आप इजीली आप बना सकते हैं, और इस फ्लावर के साथ आप कुछ और भी मतलब उसके किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं ये अभी थाल पोश में बनाऊंगी और इसका वीडियो मैं नेक्स्ट अभी डालूंगी कल, और अगर आप बाद में देखोगे तो मैं इसकी जो थाल पोश है इस फ्लावर के साथ जो बना रही हूँ उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाके भी आप चेक कर सकते हैं। और मैंने बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ्लावर्स भी बनाए हैं, और या आप सिर्फ इसी फ्लावर को यूज़ करके इसका तोरण भी बना सकते हैं। एक के साथ एक फ्लावर आप अटैच कीजिए और नीचे उसको जो पॉम्पॉम वाले फ्लावर्स बनाते हैं हम, वो बना के उसको लटका दीजिए मोतियों के साथ, एकदम खूबसूरत लगेगी। आप इसके साथ बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि इसके साथ क्या करना है तो मैं आपको एक एक वीडियो डेफिनेटली इसमें डालती रहूँगी, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और जितने भी वीडियो इस फ्लावर के रिलेटेड मैं डालूँगी उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और अगर आपको ये पसंद आ गया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।